Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the working method to solve the non-homogeneous linear differential equations with constant coefficients. So अगर हमारे पास ये non-homogeneous linear differential equation है तो इस केस में क्या होगा, हमने जब इस क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है तो जैसे प्रीवियस हमने जो लेक्चर में पढ़ा था कि होमोजीनियस के लिए तो वहां पे हम थ्री स्टेप्स यूज करते थे. एक पहले हम सिम्बॉलिकल फॉर्म निकालते, फिर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर कंप्लीट सोल्यूशन. इस केस में हमें क्या करना है, उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है. सो इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड होगा उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका सिंबॉलिकल फॉर्म निकालेंगे और वो हमें पता है किस तरीके से होता है, जिसको ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख दिया है. फिर हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, मींस इस पार्ट को LHS को इक्वेट करेंगे जीरो के. वहां से हमारे पास रूट्स आएंगे और उस रूट्स को हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने होमोजीनियस केस में किया था, क्योंकि उस केस में जो क्यू होता है मींस RHS है वो किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है. फिर यहां पे फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, इधर हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है जिसको हम लिखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू 1 बाय FD इनटू क्यू. सो उसको हमने सिंपल यूजुअल रूल से सॉल्व करना है. और लास्ट स्टेप में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है जो किसके इक्वल होगा, y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो नोट, यहां पे जो 1 बाय F ऑफ D है दैट इज द इनवर्स ऑपरेटर ऑफ फंक्शन FD. सो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा. सो जो हम इसके एग्जांपल्स करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करना होता है इस केस में, वो उसके एक्चुअली 5 रूल्स है. तो पहले हम वही 5 रूल्स करेंगे और उसी में हर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए. सो रूल टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो टेक द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है हमारे पास है और उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एफ ऑफ डी इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एक्स. सो मीन्स ये होल टर्म जो थी, ये वाली पूरी की पूरी टर्म, इसको मैंने एफ ऑफ डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, इंटू वाई दिस इज इक्वल टू एक्स. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू क्यू. क्यू की जगह पे क्या है हमारे पास, एक्स है, बिकॉज वी नो दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू क्यू. सो यहां पे क्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल, तो यहां पे मैंने एक्स ले लिया. सो अब जो रूल फर्स्ट है उसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल आया, मींस 1 बाय एफ ऑफ डी ई रेज पावर ए एक्स, तो उस केस में जो उसका सॉल्यूशन होगा वो ये फॉर्म होगी, दैट इज 1 बाय उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू एट ए इंटू ई रेज पावर ए एक्स एंड वेयर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. सो अगर ये होगा तो हम डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. मान के चलें कि अगर हम जब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं, मतलब वहां ये उस केस में क्या हो जाएगा, ये मीन जहां पे वो यहां पे हमने लिखा है कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. मगर मान के चले अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मींस दिस इज द केस ऑफ फेलियर. सो उस केस में क्या हो जाएगा, हमने उस फंक्शन को क्या करना है, यहां पे ऊपर क्या करना है, इसको x से मल्टीपल करना है और इसका डेरिवेटिव लेना है, दैट इज एफ डैश ऑफ डी. सिमिलरली अगर अगेन यहां पे एफ ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, दिस एफ डैश ए, ये हमें अगेन क्या आ जाएगा, ये हमारे पास दिस इज बेसिकली एफ डैश ए. I will write here f dash. So this is basically f dash a. So I will write here as it is f dash of a. Similarly, this is f double dash at a. सो अगर हमारे पास क्या होगा कि ये जो एफ डैश ऑफ ए है ये अगेन जीरो के इक्वल आएगा, मींस फेलियर जो उसका केस होगा, उस केस में हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर ई रेज पावर ए एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव एट ए. सो सिमिलरली इस तरीके से अगर वो थर्ड टर्म के लिए भी आएगा तो हम इसी प्रोसेस से उसको करेंगे. सो सेकेंड रूल है कि अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन होगा उस केस में उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमें होगा, दिस टर्म विल बी इक्वल टू दिस टर्म, दैट इज एफ ऑफ डी ऑफ होल इनवर्स इंटू एक्स रेज पावर एन. सो वेयर दिस टर्म को हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, फिर उसको ऑपरेट करना है. सिमिलरली रूल थर्ड होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप का पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा तो उसका जो वैल्यू आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, और अगर ये हमारा जैसे साइन ए एक्स के लिए था, मगर अगर ये कॉस ए एक्स के लिए होगा तो यहाँ पे ही कॉस ए एक्स और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर. सो अगेन इस केस में अगर ये टर्म जीरो के इक्वल आ जाए, मीन्स अभी यहाँ पे तो ये है कि ये जो ए है इट एफ ऑफ माइनस ए, ये जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो आ गया तो 1 बाय 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा. सो अगर इस केस में क्या हो जाएगा,
ये जीरो के इक्वल आएगा, उस केस में हमने क्या करना है, अगेन वही फॉर्मूला लगाना है, एक्स इंटू दैट टर्म साइन ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय उसका डेरिवेटिव लेना है। रूल फोर में हमने क्या करना है, अगर इस टाइप का हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से लिखेंगे, ई रेज पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय 1 बाई एफ ऑफ डी प्लस ए। तो मीन जो ई रेज पावर ए है उसको इस डी के साथ क्या करना है, उसमें जो ये जो ए है उसको इस डी के साथ प्लस करना है, बाकी वही टर्म्स रह जाएगी। लास्ट रूल में ये होगा कि अगर हमारे पास इस टाइप का फंक्शन दिया होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया होगा, उस केस में उसकी वैल्यू ये टर्म आ जाएगी, दैट इज ई रेज पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रल ई रेज पावर ए एक्स इंटू फी एक्स डी एक्स। So, अब हम इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल करते हैं, रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पे, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज रूल वन के लिए कि सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस नाइन वाई दिस इज इक्वल टू फाइव ई रेज पावर थ्री एक्स। सो हमारे पास जो फर्स्ट रूल था उसमें हमने किस टाइप का फंक्शन लिखा था, मैं आपको यहां पर एक बार लिख दूं साइड पे। सो वो हमारे पास बेसिकली कैसा था, दैट वाज 1 बाई एफ ऑफ डी इंटू ई रेज पावर ए एक्स दिस इज इक्वल टू 1 बाई एफ ऑफ ए इंटू ई रेज पावर ए एक्स। ठीक है, सो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन होगा, और अगर वो इसमें ये यहाँ पे प्रोवाइडेड ये था कि जो हमारे पास एफ ऑफ ए है वो क्या होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, मगर अगर एफ ऑफ ए जीरो हो जाएगा उस केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम यहाँ पे बन जाएगा ये टर्म एक्स डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ ए इंटू ई रेज पावर ए एक्स एंड सो ऑन। सो अब मैं इस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन को उसकी हमने उसका पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है, तो मैं लिख लेती हूँ सिंबॉलिकल फॉर्म, इसका बन जाएगा डी टू प्लस सिक्स डी प्लस नाइन होल वाई दिस इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ई रेज पावर, ये हमारे पास आ जाएगा फाइव टाइम्स ई रेज पावर थ्री एक्स। देन आई हैव टू राइट इट इन ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो किसके इक्वल होगा, डी टू प्लस सिक्स डी प्लस नाइन, इसको इक्वेट करना है हमने जीरो के। सो यहाँ से इसके कोफिश जो रूट्स आएंगे डी के रूट्स आ जाएंगे, दैट विल बी माइनस थ्री एंड माइनस थ्री। सो रूट्स हमारे पास ये आ गए, तो अब हम पहले इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके इक्वल आएगा, दोनों रूट्स क्या है यहाँ पे, रियल है मगर सेम है बट इक्वल है। तो हमें पता है कि उसके लिए हमें कैसा फॉर्मूला लिखना होता है, उसका ऑलरेडी हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था रूल में। सो इट विल बी सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज पावर दैट रूट दैट इज माइनस थ्री एक्स। सो हमने ये तरीका हो गया इसको लिखने का, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑलरेडी किस फॉर्म में, जब हमने होमोजीनियस के केस में लिखा था कि अगर हमारे पास रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे, साथ में रियल होंगे, उस केस में जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी सी वन प्लस सी टू इंटू एक्स इंटू ई रेज पावर एम वन एक्स। सो वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। सो अब हम हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है, वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी, तो वन डिवाइडेड बाय एफ डी, तो दैट इज वन डिवाइडेड बाय एफ डी किसके इक्वल है, हमें पता है हम इस इक्वेशन को जो ये जो इक्वेशन नंबर वन है उसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ डी इंटू वाई दिस इज इक्वल टू फाइव ई रेज पावर थ्री एक्स, और वी कैन से दिस इज द क्यूब। सो यहाँ पे अब f ऑफ d हो गया मीन जो हमारे पास मेन फंक्शन थी। सो मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, एट डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन वाई दैट इज नाइन। सो यहाँ पे वही लिख देती हूँ मैं, दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस नाइन, और साथ में क्या आएगा, साथ में हमारे पास आ जाता है q। सो q की जगह पे क्या है हमारे पास, फाइव ई रेज पावर थ्री एक्स। सो ये हमारे पास टर्म दी हुई है, बिकॉज वी नो दैट जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वन बाई एफ डी इंटू क्यू दैट इज q। ये हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला जो है। सो ये आ गया, सो क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या है, दिस टर्म। मगर जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें जो क्यू है वो किस फॉर्म में है, ई रेज पावर थ्री एक्स। तो अभी हमने ये ऊपर पढ़ लिया था कि अगर ई रेज पावर ए एक्स के फॉर्म में होगा उसका हमें वैल्यू इस तरीके से लिखना है, तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लूंगी देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू दिस टर्म, यहां से मैं लिख सकती हूँ सिंपली फाइव बाहर रख लेते हैं, ये आ जाएगा ई रेज पावर थ्री एक्स डिवाइडेड बाई इस जो ए है, ए यहाँ पे क्या
क्या है, मैं लिख देती हूँ, ए हमारे पास 3 है, वो किस में पुट करना है हमें, इस फंक्शन में। तो यहाँ पे जब ए 3 डी की जगह पे 3 पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 6 × 3 प्लस 9। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 5e3x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3 3 9, देन इट विल बी 6 3, सो इट विल बिकम 18, देन इट विल बी 9। सो टोटल जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5e3x डिवाइडेड बाई 36। सो दियर फोर मैं क्या लिखूंगी, दियर फोर कंप्लीट सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, जिसको हम y से डिनोट करेंगे, दैट इज कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो आई विल राइट कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड। सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट c1 प्लस c2x इंटू e^-3x देन प्लस 5e3x डिवाइडेड बाई 36। सो दिस इज द आंसर। सो इस तरीके से आपने रूल 1 के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने रूल फर्स्ट के लिए ये एक और एग्जाम्पल की है, मान के चलिए कि जहां पे जो ये केस ऑफ फेलियर वाला जो केस होगा उसके लिए किया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फेलियर वाला केस में आएगा जहां पे क्या होगा, जो एफ ऑफ ए है वो 0 के इक्वल आएगा, ये वो वाला केस के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो इट विल बिकम, आई विल राइट हियर फेलियर केस जहां पे एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आएगा। सो इस केस में सबसे पहले प्रोसीजर तो बाकी सारा सेम है, सबसे पहले हम इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे। तो सिंबॉलिकल फॉर्म आपको पता है किसके इक्वल होगा, 4, यहाँ पे y डबल डैश के फॉर्म में लिखा है, मीन्स y डबल डैश मीन्स d2y/dx2। तो ये हो जाएगा 4 × d² − 4 × d प्लस 1 × होल y, दिस इज इक्वल टू e^(x/2। सो अगेन जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 4d² − 4d प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो मैं डायरेक्टली अब d की वैल्यू लिख लेती हूँ, जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास आएंगे 1/2 and 1/2। सो मीन्स अब मेरे को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल भी है और रियल भी है। तो ये आ जाएगा c1 + c2x × e^(mx). m कितना है, m1x, दैट इज 1/2 × x, और आई विल राइट e^(x/2) × c1 + c2x। सो ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सो ये नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब हमने क्या निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सो आई विल राइट पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 / fd। fd हमारे पास हो गया यही टर्म, 4d − 4d² − 4d + 1 इंटू q, q की जगह पे क्या है e^(x/2). अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे कितना है, 1/2 है। सो हमने पुट करना है इसी इक्वेशन में, वायर मैं लिख देती हूँ a किसके इक्वल है 1/2। सो आई विल राइट हियर, ये बन जाएगा हमारे पास 4 × 1/2² − 4 इंटू, इट विल बिकम 4 × 1/2 देन प्लस 1 × e^(x/2। सो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 / इट विल बिकम, ये आ जाएगा 4, ये हमारे पास 2 आ जाएगा यहां से। सो ये हमारे पास जो टोटल टर्म बन जाएगी इट विल बी, सो यहाँ पे देखिए अगर हम ये केस ऑफ फेलियर कैसे बनता है वही इधर समझने वाली बात है। जब मैं इसको 1/2 पुट कर रही हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 4 और 4, ये हो जाएगा 1, ये हमारे पास यहाँ से बच जाएगा −2 और +1। मीन्स जो ये टर्म है ये किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। सो मीन्स ये हो जाएगा 1/0 × e^(x/2। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, ये केस ऑफ फेलियर हो गया। सो दिस मीन्स इस टर्म में हमें क्या करना है, जो इसमें एफ ऑफ डी है उसको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना, और साथ में उसको मल्टीपल, जो उसका न्यूमरेटर है उसको एक्स के साथ मल्टीपल करना है। तो वही चीज अभी हम यहाँ पे करेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ फेलियर। तो हम यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे, therefore particular integral this is equal to 1 / then it is f dash d, that is मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, case of failure में बन जाएगा x e^(ax) divided by f' (a). तो means f' (a) means पहले उसको f' (d) निकालना, फिर उसमें a की value put करनी है। so इसका derivative लेंगे तो किसके equal आएगा, so means 4d² − 4d + 1 का derivative लेना होगा, वो किसके equal आ जाएगा, it will become, just a second, so before derivative जो इसको लूंगी मैं इसको और इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, 2d
माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये फॉर्म जो है ये इसके इक्वल भी आ सकती है। सो अब यहां से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा टू टाइम्स टू डी माइनस वन इंटू डी के साथ जो टर्म है दैट इज टू। सो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा टू इंटू टू डी माइनस वन इंटू टू, साथ में मल्टीपल देना है उसको एक्स से, और हमारे पास जो टर्म ई रेज पावर दी हुई है दैट इज ई रेज पावर एक्स बाई टू। सो ये टर्म हमारे पास दी हुई है। अब हमने जब इसमें ई रेज पावर जो यहाँ पे ये फंक्शन है, अब इसमें ए को फिर अगेन पुट करना है, ए कितना है वन बाई टू है, सो इसमें अगेन पुट करेंगे फिर फेल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टू, ये टू आ गया, देन वन बाई टू, देन माइनस वन, देन इंटू टू, और ये आ जाएगा एक्स ई रेज पावर एक्स बाई टू। सो अगेन टू और टू कैंसिल हो गया, वन माइनस वन हो गया, ये अगेन ये कितना आ रहा है जीरो ई रेज पावर एक्स बाई टू। सो मीन्स रूल अगेन फेल्स। सो अगेन हम क्या करेंगे इसको, रूल अगेन फेल्स, हम अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे। तो मैं लिखूंगी पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस इज इक्वल टू, अब एक्स की जगह पे ये एक्स स्क्वेयर होगा ई रेज पावर एक्स बाई टू, साथ में इसकी अगेन क्या करनी है हमने, इंटीग्रेशन लेनी है। तो मीन्स मैंने जो ये वाली टर्म थी, जस्ट ए सेकेंड, टू डी पर्टिकुलर इंटीग्रल टू डी माइनस वन का होल स्क्वेयर इंटू ई रेज पावर एक्स बाई टू। सो फर्स्ट टाइम इसकी डिफ्रेंसिएशन ये आ गई, फर्स्ट टाइम जब मैंने इस टर्म की डिफ्रेंसिएशन की तो वो ये टर्म आई। अब जब मैं सेकेंड टाइम इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो मेरे पास हमारे पास जो टर्म आएगी दैट विल बी ये हमारे पास बन जाएगा, ये हो गया टू इंटू टू फोर, और इट विल बिकम फोर इंटू टू, दिस जो ऊपर से यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास फोर इंटू टू, ये मेरे पास बन जाएगी वैल्यू नेक्स्ट टर्म में। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा एट इसकी वैल्यू, सो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई रेज पावर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एट। अब यहां पे हम अप्लाई कर ही नहीं सकते ए की वैल्यू वन बाई टू, सो यही पार्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लिया हमने, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई रेज पावर एक्स एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एट। सो वी विल राइट कंप्लीट सोल्यूशन इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन, नेम इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन था ई रेज पावर एक्स बाई टू इंटू सी वन प्लस सी टू एक्स, देन प्लस इट इज एक्स स्क्वेयर बाई 8 into e raise power x by 2, so which is the answer। so बस ध्यान रखिए, पहले हमने देखना है अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब हम a की वैल्यू अप्लाई करेंगे अगर वो जो टर्म है वो जीरो को चली गई, मींस 1 by 0 इन्फिनिटी को चला गया तो वो केस हो गया फेलियर का केस। उस केस में हमें क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन लेना है, ऊपर x से मल्टीपल करना है, फिर अगेन अगर वो टर्म भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, वो अगेन इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी तो रूल अगेन फेल होगा, फिर हम उसकी डिफरेंशिएशन लेंगे और उसको मल्टीपल अगेन एक्स से करेंगे दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर इसके बाद भी ये यहां पे रह जाता तो हम अगेन उसकी थर्ड डिफरेंशिएशन करते। सो ये प्रोसीजर इसी तरीके से चलेगा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जो रूल सेकेंड पे है, दैट इज डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यू माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस सिक्स डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र। तो सेम इस फॉर्म इस क्वेश्चन को भी हम सबसे पहले सिम्बोलिकल फॉर्म लिखेंगे इसका। सो आई विल राइट हियर, सो सिम्बोलिकल फॉर्म इसका आ जाएगा हमारे पास डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी इंटू वाई दिस इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वेयर। सो अगेन यहाँ से जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी दैट विल बी डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर माइनस सिक्स डी दिस इज इक्वल टू जीरो, और नॉट इट इज डी ये सिंपल ये दैट इज द मिस्टेक, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिंपल सिक्स, इट इज़ बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, ये ठीक है ये सिक्स डी है। सो यहाँ से हमारे पास आएगा सिक्स डी दिस इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, डी इंटू डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस सिक्स दिस इज इक्वल टू जीरो। सो डी की वैल्यू मेरे पास जीरो आ जाएगी, और दूसरी तरीके से डी की वैल्यू यहाँ से जो रूट्स आएंगे मेरे पास आएंगे माइनस टू एंड थ्री। सो फ्रॉम हियर जो मेरे पास कंप्लीट कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो बन जाएगा, सारे डिफरेंट है सो और रियल है, सो ये बन जाएगा हमारे पास सी वन ई रेज पावर जीरो एक्स फर्स्ट रूट प्लस सी टू ई रेज पावर सेकेंड रूट दैट इज माइनस टू एक्स, देन प्लस सी थ्री ई रेज पावर थ्री एक्स दैट इज थर्ड रूट
सो ये हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा, विच इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ई रेज पावर माइनस टू एक्स, देन प्लस सी थ्री इंटू ई रेज पावर थ्री एक्स. सो बिकॉज ई रेज पावर जीरो वो हमारे पास वन हो जाता है, तो डायरेक्टली आ जाएगा आपके पास सी वन. अब हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, वन बाई एफ ऑफ डी. एफ ऑफ डी हमारे पास आ गया डी क्यूब माइनस सिक्स डी स्क्वेयर, देन माइनस सिक्स डी, और साथ में कितना है इसका क्यू, क्यू है हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वेयर. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिखने का तरीका होता है वन बाई एफ ऑफ डी इंटू क्यू. सो वेयर जो क्यू है दैट इज वन प्लस, और ये आप ऐसे लेके चल सकते हैं, पूरी इक्वेशन है बेसिकली एफ ऑफ डी इंटू वाई दिस इज इक्वल टू क्यू. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई है. सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो रूल सेकंड में, उसमें हमने क्या करना है, जो ये टर्म है दैट इज माइनस सिक्सटी, इसको हम क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे, और इसको हम जो इस फॉर्म में लाएंगे सो दैट हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे बाइनोमियल से, या जैसे हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सीरीज को जैसे एक्सपैंड करते उस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे. सो आई विल राइट हियर, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस सिक्सटी, कॉमन अगर मैं डिनोमिनेटर से ले लेती हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा सिक्सटी की जगह पे वन हो जाएगा. देन अदर टर्म विल बी जो डी क्यूब वाला हो जाएगा, ये हमारे पास यहां से सिक्स डी ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डी डिवाइडेड बाई सिक्स, एंड अदर टर्म विल बी डी स्क्वेयर और डी एक हो जाएगा तो ये इट विल बिकम डी स्क्वेयर बाई सिक्स. सो यहां पे आ जाएगा डी स्क्वेयर बाई सिक्स. सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ जाएगी. अब हमने क्या करना है इस टर्म को, ये हम इस टर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वन डिवाइडेड बाय माइनस सिक्सटी, और ये मेरा किस फॉर्म में बन गया, जो हमारा रूल सेकंड था दैट वाज वन प्लस, ये बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डी बाई सिक्स माइनस डी स्क्वेयर बाई सिक्स इंटू होल रेजिंग पावर माइनस वन इंटू, साथ में हमारे पास यहाँ पे था वन प्लस एक्स स्क्वेयर. सो यहाँ पे भी आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर. सो ये हमारा उस फॉर्म में आ जाएगा. सो अब सिंपली इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो यहां पर डायरेक्टली सिंपल एक्सपैंड जो फॉर्मूला लगाऊंगी तो यह आ जाएगा 1 बाई 60, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स, या और वी कैन से 1 प्लस एन रेजिंग पावर माइनस 1, या 1 प्लस एक्स रेजिंग पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 देन माइनस एक्स देन प्लस एक्स स्क्वेयर देन माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से सीरीज चलेगी. सो ये आ जाएगा 1 देन माइनस दिस टर्म दैट इज माइनस टाइम्स डी बाई सिक्स माइनस डी स्क्वेयर बाई सिक्स, देन इट विल बी प्लस डी बाई सिक्स माइनस डी स्क्वेयर बाई सिक्स का होल स्क्वेयर, एंड ये हमारे पास सीरीज बन गई. ओके, सो दिस इंटू वन प्लस एक्स स्क्वेयर, जो अगली टर्म हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, इसलिए उसको हमने लिखा ही नहीं. सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी. अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. सो यहां से हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई विल राइट हियर. सो ये हमारे पास यहां से इक्वेशन बन जाएगी. सो देयरफॉर आई विल राइट दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स डी, देन इट विल बिकम, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर से. सो सिंप्लीफाई मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन करेंगे. सो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी मैं वो डायरेक्टली लिख रही हूँ. सो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वन माइनस डी बाई सिक्स और प्लस सेवन बाई थर्टी सिक्स इंटू डी स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी. तो अब इस डी से हम अंदर इसको मल्टीपल कर देंगे, ये हो जाएगा 1 बाई सिक्स बाहर आएगा, ये हो जाएगा 1 बाई डी. सो इट विल बिकम माइनस डी बाई डी इंटू सिक्स, ये बन जाएगा प्लस 7 बाई थर्टी सिक्स इंटू डी स्क्वेयर बाई डी, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. सो ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो टर्म है, जो ये वाली टर्म थी, ये वाली टर्म, इसको मैंने यहां से निकाला है, और इसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे मींस वन, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन करें, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स कट जाएगी, खाली ये टर्म रह जाएगी. सो यहां से अब क्या हो जाएगा, ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा, ये डी और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी. सो इट विल बिकम, इट इज माइनस, सो माइनस वन बाई सिक्स रेजिंग, साथ में आएगा वन बाई डी, देन माइनस वन बाई सिक्स, देन इट इज सेवन बाई थर्टी सिक्स इंटू डी, साथ में आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर. सो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास. सो सिंपली आपको पता है ये जो वन बाई डी क्या हो जाएगा, वन बाई डी मीन्स इसकी इंटीग्रेशन, तो डायरेक्टली हम वही चीज लिखेंगे. सो दिस इज इक्वल टू,
will write here. So in next page I will write here. So minus 1 by 6 ये हो जाएगा integration of किसका 1 plus x square का into dx. Then next term होगी minus into minus हो गया plus. Then it will be plus 1 by 36. It is 1 by 6. या डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ 1/36 भी लिख सकती थी मैं. चलो एनीवेज मैंने इसको कॉमन ऐसे लिख के चलते हैं. सो 1/6 या आ जाएगा आपके पास 1/6 into 1 plus x square एंड लास्ट टर्म विल बी दैट इज अगेन 7/36 प्लस 7/36. डी मीन्स डिफ्रेंसिएशन. सो आई विल राइट डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लेना है 1 plus x square का. सो ये अब हमें इसको सॉल्व करना है. सो ये टर्म हमारे पास आई थी. सो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6. सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3. देन अदर टर्म होगा 1/6 इंटू ये आ जाएगा 1/6 से इसको मल्टीपल भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 1/6 इंटू एक्स स्क्वेयर. देन इट विल बिकम 7/36 और इसकी डिफ्रेंसिएशन लेनी है वो हो जाएगा 2x. सो यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई. सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये हमारे पास आएगा 1/6 देन इट विल बिकम x plus x cube by 3. Then it is minus 1/6 minus 1/6 into x square plus 7 divided by 18 हो जाएगा और ये हमारे पास x आएगा. इधर x की टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं और x square की या और क्यूब की तो हमारे पास टोटल फर्दर आ जाएगा minus 1/6 into ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी डायरेक्टली मैं वो टर्म लिख देती हूँ यहाँ से. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट minus 1/108 into 6x x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 25x. सो ये जो हमारे पास टर्म है ये आएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस टर्म. सो आप इसको इसमें इसका एलसीएम निकालें और उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो वी विल राइट नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास c1 प्लस c2 e रेज पावर माइनस 2x प्लस c3 इंटू e रेज पावर 3x. सो और साथ में कंप्लीमेंट पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया माइनस 108 इंटू 6x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 25x. दिस इज इक्वल टू सो दिस टर्म. सो विच इज द आंसर. सो इस तरीके से आपने क्या करना है रूल सेकंड पे क्वेश्चन सॉल्व करना. नाउ रूल थर्ड. सो रूल थर्ड पे हमने एग्जाम्पल जो दिया है इसको ये इस टर्म को सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम इसको सीधा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म ऑलरेडी में दिया ही हुआ है तो आई विल राइट d2 प्लस 4 इंटू वाई दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x. साथ में ऑक्सिलरी इक्वेशन वो किसके इक्वल होता है d2 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0. तो जो d के रूट्स निकलेंगे वो हमारे पास यहाँ से आएगा प्लस माइनस 2i. तो नोट डाउन हमारे पास किस तरीके का फंक्शन होता है अल्फा प्लस आयोटा बीटा. तो मींस यहाँ पे अल्फा 0 है और बीटा किसके इक्वल है 2 है. सो ये हमारे पास गिवन है. सो आई विल राइट हियर. सो देयरफॉर कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास जो बन जाएगा वो बनेगा a इंटू कॉस ऑफ 2x. दैट इज क्योंकि ये हमारे पास कितना है e, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होता है e रेज पावर अल्फा एक्स इंटू c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स. सो वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज पावर अल्फा एक्स. अल्फा तो 0 है तो ये टर्म आ जाएगी. देन c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स c1 कॉस ऑफ बीटा की जगह पे आएगा 2x. सो इट इज 2x देन प्लस c2 साइन ऑफ 2x. सो ये हमारे पास आ गया. यहाँ से हम फर्दर लिख सकते ये टर्म 1 हो जाएगी होगा c1 cos of 2x देन प्लस c2 sin of 2x. सो दिस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन. अब हमने क्या करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है. सो थर्ड केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल सेम वही मेथड है 1 डिवाइडेड बाय fd दैट इज d² प्लस 4 इंटू sin of 3x. सो उस केस में क्या करना था कि जो a है उसको इसमें पुट करना है. a यहाँ पे कितना है साइन ऑफ ए एक्स है. सो ये होगा a की जगह पे कितना है 3. सो a की जगह पे 3 है. सो आई विल डायरेक्टली राइट 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3x. सो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से. सो दिस विल बिकम सो बेसिकली फॉर्मूले में हमें पुट करना था आई थिंक माइनस. सो इट विल बी माइनस टाइम्स. सो ये आएगा माइनस टाइम्स 3 बिकॉज जो फोर्थ हमारे पास फॉर्मूला था इट वॉज जस्ट अ सेकेंड.
So it was basically 1 by f of d into f 1 by f of d square साथ में आएगा into sine ax. This is equal to this will become sine of ax divided by f of minus a का स्क्वायर. सो ये हमारे पास टर्म बननी थी बेसिकली. सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बनेगा, एक बार मैं फिर से इसको लिख देती हूँ. सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 बाई -3 का स्क्वायर प्लस 4. सो यहाँ से हमारे पास टर्म कितनी बन जाएगी, साइन ऑफ 3x हो गया हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास -9 प्लस 4. ध्यान रखिए ये 3 के साथ स्क्वायर है, ये माइनस अलग से है, इसको आप ये स्क्वायर ना कर देना, उस तरीके से क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई -5. सो देयर फोर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x, देन प्लस प्लस की जगह यहाँ पे हो जाएगा -1/5 साइन ऑफ 3x. सो दिस इज द रूल थर्ड. नाउ रूल फाइव. सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व रूल फोर्थ. सो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हम सॉल्यूशन में सिंपली पहले इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे, दैट इज d2 - 4d प्लस 4 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू x³ e⁴ के फॉर्म. सो ये हमारे पास रूल फोर्थ के फॉर्म में इक्वेशन है. सो इस केस में इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन भी पहले लिख लेते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी d2 - 4d प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 0. सो d की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास रूट जो आएंगे वो यहाँ पे 2 एंड 2 आ जाएंगे. तो हमारे पास जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, c1, क्योंकि दोनों रियल है मगर इक्वल है, तो ये c1 + c2x इंटू e⁴। सो ये हमारे पास कंप्लीमेंट्री फंक्शन बन गए. ये नंबर 1 रख लेते हैं, इसको नंबर 2 रख लेते हैं. अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, सो दैट इज 1/FD, दैट इज d² - 4d प्लस 4 इंटू q, q इज x³ e⁴। सो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया. सो अब हमने इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन इस फॉर्म में हमने कहा था कि आपके पास फॉर्मूला ये होता है, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे लिखना होता है, मैं यहां पे लिख देती हूं एक बार. सो ऐसे केस में आपको लिखना है, अगर हमारे पास इस तरीके का पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है, दिस टर्म इंटू x⁴m या e⁴ ऐसे लिख लेती हूँ, e⁴ax इंटू सम फंक्शन दैट इज फी ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू e⁴ax इंटू फी ऑफ एक्स, देन साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बिकम f ऑफ d प्लस a, जो a है वो उसमें ऐड करना है. सो वही चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं. सो यहाँ से आ जाएगा, सो यहाँ पे जो a है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे आपने देखना है e⁴ax. सो हियर हियर आप हियर हियर e⁴ax इज इक्वल टू e⁴ 2x, सो a इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली वही चीज पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा 1/, नाउ इट विल बिकम, हमें क्या करना है, जो d है उसकी जगह पे क्या करना है, d+a. सो हो जाएगा d+2 का होल स्क्वायर, देन -4 d की जगह पे होगा d+2, देन इट इज +4. सो ये बन गया, साथ में आएगा x³ e⁴ 2x, ये हमारे पास आ गया. सो यहां से इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारे पास बन गया 1/a² + b² + 2d, ये हो गया -4d + 4, ये हो जाएगा -8 प्लस 4. सो यहाँ से आएगा साथ में x³ e⁴ 2x, सो इट विल बिकम नाउ 1/d² 4d और 2d में से एक कैंसिल हो गया, तो इट इज -2d, देन इट इज 8, और ये हो गया 4 और 4 हो गया 8, और ये हो जाएगा d² / दिस टर्म. ओके, सो ये हमारे पास सारी इक्वेशन, आई थिंक जस्ट अ सेकेंड. सो इट इज माई मिस्टेक, इट इज नॉट 2d, इट इज बिकॉज 2 और 2 ये 4d हो जाएगा यहाँ पे. सो 2 into a है तो ये 4d होगा, तो ये 4d कैंसिल होगा, इट विल बिकम ओनली d². सो आई विल राइट हियर ओनली d² × x³, देन e⁴ 2x. सो ये हमारे पास आ गया, सो 1/d² आ गया. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल बिकम, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, 1 बाई जो d होता है दैट मीन्स इंटीग्रेशन, तो हमने ऐसे करना है 1/d
ऑफ इस टर्म का, तो एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन हो गई एक्स 4/4 देन ई रेज पावर 2x, ये हमारे पास आ गया। और साथ में हमें क्या करना है, इसकी अगेन इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि 1/d दो बार था तो ट्वाइस इंटीग्रेशन होगी, तो ये बन जाएगा एक्स 5 डिवाइडेड बाई 4 into 5 दैट विल बिकम 20 एंड इंटू ई रेज पावर 2x। सो देयर फोर दिस इज द पर्टिक्युलर इंटीग्रल। सो कंप्लीट सोल्यूशन वाई दिस इज इक्वल टू दिस विल बिकम c1 + c2x ई रेज पावर 2x देन प्लस एक्स रेज पावर 5/20 ई रेज पावर 2x। सो दिस इज द सोल्यूशन। सो लास्ट एग्जाम्पल ऑन रूल 5 +2 × y दिस इज इक्वल टू साइन ई रेज पावर -6 देन इट इज ऑक्सिलरी फॉर्म। ऑक्सिलरी फॉर्म हमारे पास आ जाएगा d2 + 3d + 2 = 0 और यहाँ से हमारे पास इसके रूट्स मिल जाएंगे, वो हमारे पास 1 और 2 आ जाएगा। सो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, c1 e रेज पावर x + c2 e रेज पावर 2x। सो अब हमें पर्टिकुलर इंटीगल निकालना है। सो हो गया 1/FD दैट इज d² + 3d + 2 × q, q की जगह पे है साइन e रेज पावर -x। सो अब क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे इसके डिनोमिनेटर को, जो इसके हमने रूट्स निकाले थे वो था d दैट इज d माइनस 1, इट विल बिकम d माइनस 2, क्योंकि यहाँ से जो हमारे रूट्स आए थे ये रूट्स ये हमारे आएंगे d-1 = 0 एंड d-2 = 0 से। सो वही चीज़ हमने यहाँ पे वापस अप्लाई कर दी है इंटू साइन ई रेज पावर माइनस एक्स। सो यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, नाउ इट विल बिकम यहाँ से हमारे पास अब इस जो ये पार्ट है हमारे पास जो ये वाली टर्म है इसको हमने किससे ब्रेक करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सो मीन्स आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी ब्रेक कर सकते हैं या आप डायरेक्टली इस पे जो d है वो इस पे 1/d-1 जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आ सकता है 1/d-1 मींस इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो हमारे पास ऐसे भी बन सकता है, दैट इज सॉरी इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। सो 1 - d-2 e रेज पावर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगी, दैट इज ये फॉर्मूला बन जाता है, देखिए कौन सा 1 - d × a, ये हमारे पास फिफ्थ रूल में था, दिस इज इक्वल टू ई रेज पावर ax और देन इंटीग्रेशन ई रेज पावर -ax इंटू वी देन dx। सो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो ये डायरेक्ट बन जाएगा ई रेज पावर ax। a की जगह पे पहला टर्म क्या है यहाँ पे हमारे पास है, दैट इज ये टर्म दैट इज 1, सो आई कैन राइट इट एज, सो a की जगह पे 1 आया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी e रेज पावर x हो जाएगा देन इंटीग्रेशन e रेज पावर माइनस टाइम्स a, a 1 है तो हो जाएगा माइनस टाइम्स दिस टर्म देन साथ में क्या आएगा इंटू v, v कितना था हमारे पास साइन e रेज पावर -x इंटू dx। सो ये फॉर्मूला ही है रूल 5th का। सो यहाँ से आ जाएगा 1/d-2 देन e रेज पावर x, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास टर्म जो आएगी इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो ये इंटीग्रेटिंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी आफ्टर इंटीग्रेशन इट विल बिकम ई रेज पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स। सो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी बेसिकली। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन इससे 1/d-2 ये अप्लाई करना, तो मीन्स अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ई रेज पावर अब ए एक्स, ए की जगह पे 2 है तो बनेगा 2x देन इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स कॉस ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स साथ में ई रेज पावर माइनस ए एक्स हो जाएगा ई रेज पावर माइनस ए कितना था 2 तो 2x इंटू डी एक्स हो गया। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई रेज पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ ई रेज पावर माइनस एक्स। सो यही हमारे पास किसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा। सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो दिस इज इक्वल टू c1 e रेज पावर x + c2 e रेज पावर 2x देन प्लस e रेज पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ e रेज पावर माइनस एक्स। सो थैंक यू।